क्या कहेंगे लोग मामी? लोग उस वक्त बोलेंगे जब मैं उस लड़की के साथ इस घर में रहूंगी, बराबरी करेगी वो मेरी। शायद आप सोफिया के बारे में भूल गई हैं। याद है ना आपको कि वो शमशेर को पसंद करती है। अकल? मोहब्बत का अकल से क्या ताल्लुक है? मोहब्बत करता हूं मैं एक्सम, और अगर मेरी मोहब्बत आपकी अकल में नहीं आ रही है तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए। मम्मा, और कितनी देर लगेगी आपको? बस थोड़ी देर बेटा। मम्मा इतने सारे काम बाकी हैं, आप सुबह से यही कहे जा रही हैं कि थोड़ी देर और। अरे सुबह से? आधे घंटे पहले तो तुमने मुझे बताया कि निका का जोड़ा लेना है हमने। आधे घंटे पहले बताया नहीं, आधे घंटे पहले आप मेरे साथ चलने के लिए राजी हुई हैं मम्मा। राजी तो मैं अभी भी नहीं हूँ, तुम उस लड़की को क्यों नहीं साथ ले जाते? मैं कितनी बार बताऊ मम्मा, उसके घर वाले वो लड़की वो लोग नहीं राजी। बड़ी मुश्किल से माने, मैं मजीद दबाव नहीं डालना चाहता उन लोगों। बड़े आए वो ना मानने वाले। ये तो सब सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। उनकी तो किस्मत जाग गई है बेटा, मेरे बच्चे में क्या कमी है? हाँ अब फिर से वही बातें लेके बैठ गई। चले ना, हम लेट हो रहे हैं मम्मा, प्लीज आइए चलिए। बेटा देखो तुम्हें पता है ना, इस घर में इस शादी पे कोई भी राजी नहीं है, और फरवा ने अलग से एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। उसने धमकी दी है कि जैसे ही वो लड़की इस घर में आएगी वो घर छोड़ के चली जाएगी, और तुम्हारे बाबा साहब वो तो तुम्हारी खुशी के लिए ना उस लड़की को कबूल कर रहे हैं, वरना हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो लड़की इस घर में आए। मेरी खुशी के लिए कबूल कर रहे हैं ना? रहना ये मत कहिएगा कि दिल से कबूल नहीं किया। मम्मा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए भाग के अलावा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हें हर चीज इतनी शिद्दत से पसंद आती है बेटा, और फिर कुछ दिनों बाद तुम आंख उठा के उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। इस बार फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना हम सबको एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अम्मा इस बार ऐसा नहीं होगा। बेटा मैं ये भी कई बार सुन चुकी हूँ पहले। खैर चलो तुम गाड़ी में जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आइए बस, बहुत देर हो रही है। अम्मा बाबा कल पेपर है मेरा, पेपर देने जाऊं या? नहीं जाओ पेपर देने बेटा, वैसे भी अब किससे छुपना है? अकरम कोई और रास्ता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है इस शादी पे। दिल तो मेरा भी नहीं मानता ना ही। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने अपनी महक के लिए, लेकिन सच तो यही है ना कि ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। हकीकत तो बहुत भयानक होती है, बदशकल। मैं देखता, बाहर नहीं आना, इसको भी नहीं आने देना। ध्यान से झांक। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट, क्या हो रहा है? ये किसने मंगाया? साहब ने सामान मंगाया। कौन से साहब ने? मैं लाया हूँ ससुर जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं लाया हूँ निका के अरेंजमेंट्स के लिए। अच्छा नहीं लगता ना कि आप खाली हाथ अपनी बेटी को इस तरह रोक सकते हैं, इसलिए सामान मैं लेकर आ गया। तो मेरा दोस्त आ रहा है शामिर, वो सारे इंतजाम कर लेगा, आप फिक्र ना करें। तुम समझते क्यों नहीं हो, ये हम सब के लिए क्यों लगाते हो तमाशा? तमाशा? आपको मेरी शादी तमाशा लग रही है? ससुर जी इतनी बातें मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। मेरी शादी है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही होगी, और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप
अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करें। खुश होके दिखाएं। अब खुश भी तुम्हारी मर्जी से होना पड़ेगा हमें। हाँ ना, तो इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बेहतर है। महक का है कि कुछ गिफ्ट्स लेकर आया हूँ उसके लिए। अब तो मेरी बीवी बनने वाली है ना, मैं चाहता हूँ मैं खुद दे दूँ एक बार उसे। ऊपर है क्या? अगर आपको एतराज ना हो तो मिल लूँ जाके। थैंक यू। सामान उतारो तमीज से जरा है, और यहाँ रखो जल्दी से। शाबाश, जल्दी से अंकल को काम मत करने देना। मुझे बस दूर जाना है तेरे दिल से, हर गांव से गुजरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से, राहों से। महक, मैं हूं शमशेर। अंदर आ जाओ। मुझे यकीन है घर के अंदर भी आप बताए बगैर आए हो। अब क्यों पूछ? एक बार ना कह कर देखो तो सारी जिंदगी यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों आए हो? ये तुम्हारा निकाह का सूट है, ये ज्वेलरी सेट, और ये कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं। मैं गया मम्मा के साथ था, लेकिन चूज मैंने खुद किया है कि मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है कि तुम कैसे ज्यादा हसीन लगती हो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कल तुम फाइनली हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारा मेरे होने के ख्याल नहीं, मुझे बिल्कुल बदल के रखा। मैं हर वक्त मुस्कुराता रहता हूं, मुझे किसी पे गुस्सा भी नहीं आता। मैं सारी रात नहीं सोया, इनफैक्ट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। थोड़ी देर के लिए नैप ली थी मैंने, एक आध घंटे के लिए। मेरा दोस्त आया, कह रहा यार तू सोते हुए भी हंस रहा था। पता नहीं क्या क्या सोच के हंस रहा था। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, पता नहीं था जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हारी जिंदगी खत्म कहाँ हो रही है? तुम्हारी जिंदगी तो शुरू होने वाली है। तुमने जिंदगी अभी जी ही कहा है, बस तुम्हें अंदाजा नहीं है। काश आपको भी अंदाजा होता। अगर रूह का जिसमें रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हश्र किया, कितनी तकलीफ में हूं मैं, कैसे आपने मेरे ख्वाब मुझसे नोच लिए। क्यों तकलीफ में हो? क्या किया मैं? मोहब्बत ही तो करता हूं तुमसे। ये सारी बातें ना तुम्हारी आज तक के लिए हैं बस। कल का दिन गुजर जाने दो, तुम ऐसी कोई बात नहीं करो। बहुत प्यारी लग रही है, दिल कर रहा है यहीं खड़े होकर बस तुम्हें देखे जाओ, देखे जाओ। लेकिन नहीं यार, बहुत काम है। चंद घंटे बचे एक होने में हमारे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। उसके बाद जिंदगी भर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलता हूं।
नवाब साहब आपको पूरा यकीन है ये आदमी आपके काम का है? मेरा आदमी है, इसकी जिंदगी का मकसद मेरी जिंदगी के मकासद के लिए जीना है, इसके हवाले से आप बेफिक्र रहिए, और जो आपसे कहा है वो कर दीजिए। आप मेरे हिस्से के काम से भी मुतमईन रहे, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मुझे इजाजत? शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, तुम भी जाओ, तुम्हें मालूम है ना कि कल बहुत जरूरी काम करने हैं तुम्हें। अरे अंकल आप, हैरत हो रही है, तुमने कुछ किया भी नहीं और फिर भी मैं यहाँ। ऐसी बात नहीं है, अंदर बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, नवाब साहब से जरूरी काम था इसलिए आया, चलता हूँ मैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। सलाम। अरे मैंने मना किया तुम्हें ये सब करने को यार, कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कब आए? शुक्र है छोटे साहब, बस थोड़ी देर हुई पहुंचा। खैरियत है? सब पैर, वो जमीनों का मसला था, बड़े नवाब साहब से बात हो गई, कल वापस चला जाऊंगा। अच्छा, अंकल भी इसीलिए आए थे? अरे वो तुम्हारे केस का क्या हुआ, खत्म हो गया? कौन सा बात? इतने सारे केस है कि पता ही नहीं है कौन सा वाला। केस तो चलते रहते हैं साहब, बस आपका हाथ हमारे सरों पर है, केस हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। चलो आराम करो, अभी जा रहा हूं। आपको लगता है कि मुझे कल जाना चाहिए? सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको जाना चाहिए। लेकिन फरवा और दारा? सबका मतलब सब होता है, इसमें सब शामिल। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फरवा ने तो अपना सामान पैक कर दिया है, मुझे नहीं लगता साथ जाएगी हमारे। इस बात की फिक्र मत करो, कर लूंगा बात उससे। तो तुम जा रही? कोई रास्ता छोड़ा आपने मेरे पास? अगर मैं तुमसे कहूं कि रुक जाओ तो? ऐसा हो नहीं सकता बाबा साहब, आपकी नजर में मेरी कोई इज्जत ना हो, लेकिन मेरी नजर में मेरी बहुत इज्जत, और इससे ज्यादा मैं खुद को गिरा नहीं सकती। और अगर मैं ये कहूं कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, फिर? हाँ कर दिया, आज शादी कर रहा है। बेटा जितना मर्जी पड़ा हो, लेकिन बाप की नजर में वो हमेशा बच्चा रहता है, और अगर बच्चे के हाथ में सांप लग जाए तो वो खिलौना समझ के उससे खेलने लगता, भूल जाता है कि वो सांप उसको डस भी सकता। अब ये बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्चे के हाथ से सांप ऐसे ले कि बच्चा रोए भी ना, और उसे बाप भी बुरा ना ले। डैड से बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे थे कि जो नजर आ रहा है वो नजर का धोखा है, नवाबजादा दिलावर कभी किसी मास्टर की बेटी को अपने घर नहीं आने देंगे।
क्या वो सही कह रहा था? समझदार आदमी, उन्हें बात समझानी नहीं पड़ती। समझदार आदमी के लिए इशारा काफी। तैयार हूँ, शादी कर लेंगे। कितने दिन कमरे में चिल्ला काटने का इरादा है? अम्मी क्या जरूरी है अब जब भी बात करें मेरी बेइज्जती करें? बेटा तुमने इज्जत वाला काम ही कौन सा किया है? पहले दिन से कह रही हूँ तुम्हें, जान छुड़ाने के लिए ड्रामा हो रहा है। आज देख लो, घर सजा हुआ है, लाइटें लगी हुई है, बेटी को रुखसत कर रहे हैं। पूछो तो कहेंगे जबरदस्ती हो रहा है, मजबूरी है। बड़े मजबूरी वाले, उस पूरी दुनिया में ना एक मेरा शौहर और बेटा मिला है उल्लू बनाने के। खुदा का वास्ते प्लीज जाए यहाँ से। हाँ, तुम्हारा बस तो सिर्फ मुझ पे चलता है। वो पूरा घर तुम्हें उल्लू बनाए और तुम यहाँ बैठकर सोग मनाओ। अच्छा जल्दी से नीचे आओ, मैंने पार्लर जाना है। पार्लर क्यों? क्या क्यों, निकाह में जाना है। जा रही है निकाह में? हाँ मैं तो जाऊंगी, मैं तो कहती हूँ तुम भी आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान छूट गई। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तो शराफत से नीचे आओ और मुझे पार्लर लेकर जाओ, हम तो जाएंगे निकाह। हम बहुत शर्मिंदा है बेटे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। हम नहीं चाहते कि तुम इन सब चीजों से गुजरो। तुम्हारे बाबा तो सुबह से तुमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तुम्हारा सामना कर सके। बाबा आप सर उठा के रखा करें, आपकी झुकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगती। बहुत लाचार है तुम्हारा बाप बेटा, कोई हल समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम अब भी इनकारी हो इस निकाह से, तो बेटा हम हर किस्म के अंजाम के लिए तैयार हैं। नहीं बाबा, किसी को भी कोई अंजाम भुगतने की जरूरत नहीं है। मुझे फख्र है कि मैं वो बेटी हूँ जो आपके काम आ सके, मैं घर वालों की जान बचा सकी। मजबूर हूँ बेटा, कुछ कर नहीं पा रहा। जब कि मैं जानता हूँ तुम वहां जाके खुश नहीं रहोगे। खुश रह तो लिए बाबा, जिंदगी के इतने साल खुशी तो रहे। जिंदगी कर्ज वापस मांग रही है,
चुकाना तो पड़ेगा। क्या मतलब है आपका कि शमशेर कहता है और आप बुला लेते हैं? लड़की के वालिद हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। अब सब कुछ शमशेर के कहने पे तो नहीं होगा ना? क्या बकवास है ये बेटा। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। चंद घंटे बाकी रह गए, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? हाँ, कुछ घंटे बाकी हैं मेरी आजादी के। तुम उसे कैसे बात करती हो? मैं कोई जल्लाद थोड़ी हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों फोन किया? निकाह का सूट कैसा लगा? मैंने देखा नहीं। देखा नहीं अभी तक? मतलब मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए खरीदा है, तुमने देखा ही नहीं अभी तक। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और जहां तक चाहने की बात है तो मैं ये चाहती हूँ ये निकाह ना हो, लेकिन तुम्हें मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गई। चिढ़ा रही हूँ ना मुझे? लेकिन मैं चिढ़ूंगा नहीं, मैंने सोच के रखा था कि मैं आज तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। तुम ना समझो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। खैर, मैंने गाड़ी और ड्राइवर भेजा है तुम्हारी तरफ, पिक करने आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे खूबसूरत रूप में देखूं। इंतजार किया मैंने, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया सैलून पे तुम्हारा, तो ड्राइवर पहुंचने वाला होगा, वो तुम्हें वहां ड्रॉप कर देगा। आई होप तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा वहां जाने। आफ्टर ऑल ये दिन तुम्हारे लिए भी तो बहुत खास है। तुम्हें मुझसे बिल्कुल ऐसी मोहब्बत है जैसी कुर्बानी के लिए लाए हुए जानवर से मालिक को होती है, वो भी उससे यूं ही मोहब्बत जताता है, उसको सजाता है, लेकिन आखिर में उसका गला काट देता है। पर सिर्फ इतना है कि तुम मेरा गला पहले ही काट चुके हो, बस मेरा मरना बाकी। अरे तुम कोई बकरी थोड़ी हो। हेलो मैक, लगता है शर्मा गई। तेरी मंजिल भी झूठी है, तेरे सब ख्वाब हैं खोटे, तेरी राहें फरेबी हैं, तेरे रास्ते सभी फर्जी। तेरी मर्जी सुनी ना दिल की एक अर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। नहीं शमशेर, वो अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। एक लड़की आई तो है, मगर आई गेस वो नहीं लग रही।
महक, वो आ गई। ओके बाय। तो तुम महक हो? क्यों, नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था, मगर तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तुम उनकी फैमिली की लगती ही नहीं हो। सोचा तो मैंने भी ये नहीं था, लेकिन सोचने से क्या होता, हकीकत तो हकीकत होती है ना। तुम वही लड़की हो ना जिसकी वीडियो वायरल हुई थी? हाँ। चले स्टार्ट करें, शमशेर की कई बार कॉल आ चुकी है। Very handsome. Thank you. तैयार हो गई आप भी? हाँ, मैं तैयार हूँ। फरवा भाभी साथ जा रही हैं क्या? फरवा, दारा, बाबा साहब सब जा रहे हैं। और हमेशा की तरह ना तुमने इस बार भी सबको मजबूर कर दिया कि तुम्हारी बात माने। मम्मा वो सब सीख जाएगी यार। आप देखिएगा हम कितना खुश रहते हैं। आप जैसा चाहती हैं ना वैसी बन जाएगी। तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। बस तुम्हारी खुशी में ना हम सब भी बहुत खुश हैं। चले चल। सब क्या है, कोई आया क्यों नहीं? भाई उन्होंने किसी को बुलाया नहीं। ये सब क्या है, किसी को बुलाया क्यों नहीं? तो बुलाने का भी कहते थे, हम बुला लेते। क्या मतलब है आपका कि शमशेर कहता और आप बुला लेते? लड़की के वालिद हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। अब सब कुछ शमशेर के कहने पे तो नहीं होगा ना? क्या बकवास है ये बेटा। तो कह दीजिए अपने बेटे से कि मेरे इस गुनाह की पादाश में भी मेरे सर पे बंदूक रख दे। बात कैसे कह रहे हैं आप बाबा साहब से, जानते हैं ये कौन है? नवाब दिलावर नाम है इनका, और अपने बेटे की वजह से यहाँ आए, वरना आप जैसे लोग इनके सामने भी नहीं आ सकते। आप लोग मेरे घर तशरीफ लाए हैं मेरी बेटी से निकाह के लिए। मेरी ये खुशनसीबी मेरी बदनसीबी से ज्यादा बड़ी नहीं है। अंकल, मेरा निकाह हो रहा है आपकी बेटी से, और अब यकीन जाने मैं बहुत खुश हूं।
मुझे खुशी रहने दें, क्योंकि मेरी नाराजगी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो कुछ कहिएगा जरा सोच समझ के कहिएगा। बाबू साहब आइए। आइए। कहाँ रह गई? फोन कीजिए ना उसे। हेलो। हाँ बेटा। इस बाबा रास्ते में हूँ, बहुत शायद। अल्लाह की अमान है बेटा।
बट अब पता नहीं फोन बंद आ रहा है उसका। वो फोन चार्ज था अभी का, फिर क्यों नहीं उठा रही है? फोन बंद कैसे हो? मैंने आपसे कहा है पूछें कहां है मैं, इतना टाइम हो गया। पता नहीं फोन बंद आ रहा है उसका। फोन बंद है क्यों? नहीं मालूम। हेलो, हाँ बोलो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहा मेरी बात करवाओ। अगर महक को कुछ हुआ मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। क्या हुआ मेरी महक को? कहा है महक? बोलो क्या हुआ महक को? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, मैं भी आता हूं। नहीं, मैं आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रुको, तुम संभालो मां। हाँ जी, अच्छा हाँ, निकल पड़ा है शमशेर यहां से, उसको देख के तसल्ली कर लेना। मैं दारे को भेजता हूँ और संभाल लेगा सब कुछ। क्या हुआ है? उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, जाओ जाके सिचुएशन हैंडल करो। मैं मालूम है तुम्हारा भाई बहुत जज्बाती है, और जज्बात में कुछ भी कर सकते हो। जी बाबू साहब, कुछ भी कर सकता है। लड़की ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कहाँ है महक? क्या हुआ मेरी बेटी को? उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बच नहीं पाए, मर चुके हैं। आप वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर आग लगी हुई है। मैं गाड़ी में, गाड़ी में जितने लोग थे सब मर चुके हैं। सब मर चुके हैं। कल तो नहीं हो, आगे आग लगी हुई है, सब मर चुके हैं। नहीं, मैं नहीं मर सकती, बचा लूंगा। क्या कर रहे हो? आगे आग लगी हुई है। नहीं, मैं नहीं मर सकती है। मर चुकी है वो? नहीं। क्या हुआ? क्या है? सब चल गए गाड़ी में। Come on, come on!